सभी जी सुबह बच्चों, मैंने लास्ट सेशन में आपको सच्चा दोस्त पाठ के बारे में समझाया, सभी को समझ में आ गया। बच्चों सच्चा दोस्त माने तो क्या है, हमारे पास पैसा नहीं है और समस्या है तो हमारा साथ रहने वाला मित्र सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र माने तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा है तो ज़्यादा मित्र आते रहते हैं, ज़्यादा लोग आते रहते हैं। पैसा नहीं, गरीब है, हमारे पास समस्या है, समस्या है तो भी हमारा साथ रहने वाला मित्र सच्चा मित्र है। आपको लेसन मैंने आपको समझाया लास्ट सेशन में, आपको सभी को समझ में आ गया। बच्चों लेसन भी पढ़ लिए, लेसन भी पढ़ना है तो पढ़कर आपको लेसन में समझ में नया नया शब्दों को पेंसिल से रेटेंगे करना है। ओके ना, रेटेंगे करके आपको हर एक शब्द को मीनिंग समझ में आए तो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके ना, सो नेक्स्ट टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक एवरीबॉडी, पेज नंबर 8 पढ़ो। पढ़ो में क्या दिए गए हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित क्रम में लिखिए, उचित क्रम में बताइए, करेक्ट सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस करेक्ट ओनली, लेकिन व्हिच वन इज द करेक्ट फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यू हैव टू फाइंड। सो लेसन के आधारित तो कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है पहचानना है। तो आपको वर्कबुक में भी दिए हैं, आपको आराम से देख के लिख सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है, ऑलरेडी एग्जांपल दिया गया है, उसका एक दोस्त फर्स्ट वन है। दूसरा क्या है, मेरी साका है, काटो नाव बना लो, सेकंड वन। एंड नेक्स्ट अमर का घर टूट गया, थर्ड वन। नेक्स्ट इस तरह पेड़ ने सच्ची दोस्ती निभाई, फोर्थ वन। नेक्स्ट सब कुछ दान कर दिया, फिफ्थ वन। 4-3-1-5-2 टेक्स्ट बुक फिलिंग द ब्लैंक्स भी कंप्लीट करना है। 4-3-1-5-2 ये टेक्स्ट बुक फिलिंग द ब्लैंक्स है। आप अपने वर्कबुक में आंसर्स दिए गए हैं, आप एक बार पढ़कर लिखे तो याद रहेगा। ये वर्कबुक फिल इन द ब्लैंक, टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक्स लेसन होने के बाद कंप्लीट करना है। सभी को समझ में आ रहा है बच्चों, पेड़ से भी क्या क्या लगा है, पेड़ से देखो क्वेश्चन आंसर दे दिया है, वो आंसर आपको तीन लाइन दिए गए, तीन लाइन में ये कंप्लीट करना है। पेड़ से भी क्या क्या लाभ है, पेड़ परोपकारी है, पेड़ प्रकृति की संपदा है, पेड़ मानव के परम मित्र है, पेड़ मानव की सेवा में तत्पर रहते हैं और पेड़ों से कई लाभ है, पेड़ों से कई लाभ है। ओके ना, पेड़ों से फल लेकर हमको भूख मिटाते हैं, फल लेकर हमको भूख मिटाते हैं, पेड़ों के शीतल छाया में मानव पशु पक्षी जीव जंतु क्या कर रहे हैं, आराम करते रहते हैं। हमको धूप लग रही है, गर्मी गर्मी में धूप लग रही है, हमको क्या करते रहते हैं, पेड़ के नीचे आराम करते रहते हैं ना। अब पेड़ों से गर्मी दूर होती है, पर्यावरण संतुलन अच्छा रहते हैं, स्वच्छ हवा मिलते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं ना। पेड़ के पत्ते से माला बना सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। पेड़ों से ज्यादा लाभ है, पेड़ों से हमको प्राणवायु मिलता है, ऑक्सीजन, पेड़ों से प्राणियों के लिए आवश्यक प्राणवायु मिलता है। पेड़ों की लकड़ी से अनेक उपयोग, मेज, कुर्सी, दरवाजा, बच्चों के खेल खिलौने, सब चीज आप तैयार कर सकते हैं। पेड़ हम सब सूख जाता है, ईंधन और लकड़ी के रूप में हमें काम आता है। इस तरह पेड़ जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। टेक्स्ट बुक में तीन लाइन है ना, ये तीन लाइन में कितने लिख सकते उतना ही लिखो। सभी को समझ आया बच्चों, पेज नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक वो भी कंप्लीट करना है। बुक देख के शब्द भंडार में देखो, निम्न शब्दों के अर्थ गुब्बारों में, गुब्बारा मतलब बेलून्स में जो आंसर दिए गए हैं फाइंड आउट करना, पहचानना आपका काम है। दोस्ती माना जाता है मित्रता, राइट हियर, दोस्ती के माना जाता है मित्रता। गुब्बारों में क्या है, चुनकर, सेलेक्ट एंड राइट, व्हिच वन इज द करेक्ट, दोस्ती, मित्रता। पेड़ वृक्ष, मैंने पेड़ के बारे में, पेड़ माने तो तरु वृक्ष ऐसा। हाँ, तलाश माने तो क्या है, कोर सर्चिंग, हमारा शहर में क्या है, नौकरी की तलाश करने के लिए शहर चले गया ना, तलाश माने तो खोज। मारा माने तो क्या है, हार। इकट्ठा माने तो क्या है, जमा, टू कलेक्ट। इकट्ठा माने तो क्या है, जमा। सभी को समझ में आ रहा है बच्चों, 1 से 20 तक नंबर आने, 1 से 100 नंबर तक कंपलसरी हिंदी आपको अक्षरों में बोलना आना है। इधर देखो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये नंबर बोलना आना है, लिखना आना है, बार बार आप अपने रूप में प्रैक्टिस करो, कंपलसरी ये पार्ट भी में आ जाएगा, कंपलसरी आएगा पार्ट भी में। आपको 12 को क्या कहते हैं, 12, 19, 20, 25 ऐसा 26, 26, 26 ये कंपलसरी नंबर आपको 1 से 20 तक आ गया ना,
स्टेटस तक आ गया ना, नेक्स्ट नंबर गो टू नेक्स्ट नंबर लर्न फिर डे यू हैव टू लर्न देखो आप हर रोज पढ़ना बोलना लिखना प्रैक्टिस करो लैंग्वेज ओके नेक्स्ट शब्दों के अलग कीजिए सेपरेट अलग करना है सेपरेट करना है और लिखिए लकड़ी लकड़ी से बनी हुआ होता है लकड़ी मतलब वुड से बना हुआ क्या क्या कर सकते हैं किड़की बल्ला नेक्स्ट कुर्सी मेज ओके ना ना दरवाजा मैंने कहा अन्य वस्तु है गिलास ओके किताब मेज तैरी ओके ना ना पंखा कलम ये अन्य वस्तु है वुड से बनी हुई वस्तु अलग करना है और नेक्स्ट मैंने को आइटम्स यहाँ वहाँ पर है ओके अलग करके टेबल में लिखना है सभी को समझ आ रहे बच्चों समझ में नहीं तो आपको नोटबुक में दिए गए हैं आप भी देख के लिख सकते हैं नेक्स्ट आपको भाषा की बात मतलब व्याकरण अंश के बात में ध्यान रखना है आप हायर क्लास में कंपलसरी व्याकरण के बारे में पूरा इंपॉर्टेंस रहेगा हायर क्लासेस तक वचन बदलना लिंग बदलना ओके शब्द भेद नाउन प्रोनाउन क्या है संज्ञा शब्द वाचन शब्द सर्वनाम वाचन क्रिया ओके विशेषण ओके क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मय बोधक हिंदी अंक अक्षरों में लिखना है कारक पहचान ये कंपलसरी हायर क्लासेस तक सेम व्यास की ग्राम पर आ जाएगा आप भी ध्यान थोड़ा ध्यान दीजिए अरे टेक्स्ट बुक फिल्म में ब्लैक अरे टेक्स्ट बुक ग्राम टेक्स्ट बुक रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग शुड बी समझो पढ़ो एक पेड़ अनेक पेड़ एक अनेक वचन बाद एक पेड़ अनेक पेड़ एक फल अनेक फल एक फूल अनेक फूल एक शहर अनेक शहर एक घर अनेक घर एक गांव अनेक गांव ओके सभी को समझ में आ रहे बच्चों आपको वचन बदलने में भाषा की बात में एक एक बिट के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन चाहिए इंट्रोड्यूस कर ले आप भी थोड़ा पढ़ के लिखने के लिए ट्राई करो कंपल्सरी पढ़ना है रीडिंग 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आपको पढ़ना है पढ़ के लिखने के लिए ट्राई करना है सृजनात्मक क्रिएटिविटी क्वेश्चन आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्रिएटिविटी करके लिखना है सो ये भी आपको बिट आपको वर्कबुक में था आप देख के भी लिख सकते हैं पेड़ और पेड़ बीच में दिए गए पत्ता फूल तना शाखा फल पेड़ हमें फल देते हैं पेड़ हमें फूल देते हैं पेड़ के पत्ते हरे होते हैं हम पेड़ के तने पर चढ़ते चढ़ते हैं पेड़ के कई शाखाएं होती है इसी तरह वाक्य सेंटेंसेस फॉर्म करना आना है सो शब्द दिए गए संकेतों के आधार पर पेड़ के बारे में लिखो वृक्ष के बारे में पेड़ के बारे में पेड़ हमको फल देते हैं फूल देते हैं पेड़ के पत्ते हरे भरे होते और पेड़ के तने से हम चढ़ते हैं और पेड़ के ही शाखाएं और होती है ऐसा लिख सकते हैं बच्चों समझ में आ रहे टेक्स्ट बुक फिल अपना कंप्लीट करना है मैं पाठ के बारे में बातचीत कर सकता हूँ कर सकती हूँ बॉस पाठ के बारे में पेड़ के बारे में और बोल सकते हैं ना बोल सकते हैं पेड़ हमको क्या देते हैं पेड़ हमको परम मित्र है प्राणवायु मिलते हैं हवा मिलते हैं और फल देते हैं फूल देते हैं पेड़ के पत्ते से हम क्या कर माला बना सकते हैं तो बोल सकते हैं ना करेक्ट एक मार्क मैं पाठ के सारा अपने शब्दों में हमारा रोज अमर का दोस्त का पेड़ का दोस्त का अमर था हर रोज पेड़ के पास जाते और बहुत प्यार करते रहते खेलते तो बहुत खेल खेल खेलते रहते और बहुत आम पीछे में गिर गया तो बहुत प्यार करते रहते हर रोज ऐसा करके करके तक जाने के बाद आराम करते रहते हैं ऐसा सारा बोल सकते हैं ना यस वेरी गुड बोल सकते हैं बता सकते हैं बता सकते एक बार मैं पाठ के शब्दों में वाक्यों शब्दों के लिए शब्द पेड़ और हर एक शाखाएं पेड़ की शाखाएं सा औषध दवाइयां बना सकते हैं और ऐसा ओन सेंटेंसेस पेड़ हमको पेड़ फल देते हैं फूल देते हैं ऐसा सेंटेंसेस ओन सेंटेंस वाक्य प्रयोग वे लिख सकते हैं यस एक बार हाँ ओके है ना ये आपको लेसन के बारे में आपको जो लेसन तो वर्कबुक में दिया गया फिर तब लास्ट में कंप्लीट करना है वर्किंग एक्टिविटीज पेज नंबर 23 पेज नंबर 23 वर्किंग एक्टिविटीज देखो आपको हर एक लेसन को वर्किंग एक्टिविटीज दिए गए हैं वर्किंग एक्टिविटीज में जो दिए गए हैं पार्टी के पद्यांश कंपल्सरी हायर क्लासेस है ना 67 से आप कंपल्सरी पैराग्राफ पढ़ के आंसर लिखने के लिए भी ट्राई करना है देखो इधर आपको पैराग्राफ आंसर दिए गए हैं आप पैराग्राफ पढ़कर लिखने के लिए ट्राई करो एक पेड़ था उसका एक दोस्त था उसका नाम अमर था दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था
रत्तम से क्या माला बनाता था। ये पैराग्राफ देखते हो, क्या करना है, पैराग्राफ पठित पद्यांश मीन सीन, पैराग्राफ पठित पद्यांश, पठित गद्यांश, पठित गद्यांश मतलब सीन पैराग्राफ, पठित पद्यांश सीन पोएम, अनसीन पोएम विल कम, अनसीन पैराग्राफ विल कम। अब कंपलसरी फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ पढ़ के लिखने के लिए तो दिए गए पैराग्राफ में अब आंसर जो क्वेश्चन आंसर पढ़ के लिख सकते। क्या जब दोस्त का नाम क्या है, अमर, दोनों आपस में क्या करते थे, बहुत प्यार करते थे, हर रोज अमर किसके पास जाता था, पेड़ के पास जाता था, अमर क्या इकट्ठा करते थे, अमर पेड़ के पत्ते इकट्ठा करते थे। यह पद्यांश किस पार्ट से लिया गया है, गद्यांश, यह गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है, सच्चा दोस्त, और लेसन का नाम क्या है, सच्चा दोस्त, सेकेंड लेसन। क्या है ना, समय बीतता, नेक्स्ट समय बीतता गया, अमर बड़ा हो गया, वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था, बीच में नदी थी, उसने सोचा नदी के कैसे पार करूं, सोचो ये पेड़ के पास गया, पेड़ को अपनी समस्या बताई। ये लेसन का एक पैराग्राफ दिया गया, पैराग्राफ पढ़ के आप आंसर लिखना है, कौन बड़ा हो गया, अमर बड़ा हो गया, अमर किसकी तलाश में शहर जाना चाहता था, नौकरी की तलाश, बीच में क्या थी, नदी, समझ में आ रहे बच्चों, अमर ने क्या सोचा, नदी कैसे पार करूं, यह गद्यांश किस पार से गया, सच्चा दोस्त। नेक्स्ट पैराग्राफ, अमर शहर चला गया, वह खूब पैसा कमाया, गांव लौटा, लौटने के कुछ दिन पहले उसके गांव में तूफान आया था, तूफान के कारण अमर का घर टूट गया, और पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ ने कहा मेरे तना काट कर अपना घर बना लो, अमर ने वैसा ही किया। ये पैराग्राफ पढ़िए, आंसर लिखना है, कौन शहर चला गया, अमर शहर चला गया, अमर ने शहर में क्या कमाया, खूब पैसा कमाया, तूफान कब आया था, अमर गांव लौटने के कुछ दिन पहले गांव में तूफान आया था, किसका घर टूट गया, अमर का घर टूट गया, पेड़ ने अमर को क्या कहा, पेड़ ने अमर से कहा कि मैंने तना काटकर घर बना लो। ऐसा समझ सभी को समझ में आ रहे बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ, बहुत समय बीत गया, अब अमर बूढ़ा हो गया, सर्दी में काम तो पेड़ के पास पहुंचा और एक समस्या आ गया है, पेड़ ने कहा मेरी सूखी लकड़ी का जला कर अपनी सर्दी भगाओ, अमर ने वैसा ही किया। इस तरह पेड़ ने अपने सच्ची दोस्त निभाई, मतलब सच्ची दोस्त ने सब कुछ अर्पण कर दिया है अमर को, कौन बूढ़ा हो गया, अमर बूढ़ा हो गया, अमर पेड़ के पास गया, कैसे पहुंचा, सर्दी की खांव से हुए सिवरे जैसा पेड़ के पास गया, पेड़ ने क्या कहा, मेरे सूखी लकड़ी का जला कर अपनी सर्दी को भगाओ, अमर ने वैसा ही, अमर क्या किया, अमर पेड़ ने कहा वैसा ही किया। यह गद्यांश कौन सा पार्ट है, सच्चा दोस्त पार्ट से लिया गया है। किसी क्लियर है बड़ी, सभी को समझ में आ रहा है बच्चों, ये पैराग्राफ भी कंप्लीट करना है, टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक फिल इन द ब्लैंक भी कंप्लीट करना है, पेज नंबर 23-24 वर्कबुक। आपका कल का होमवर्क क्या है, कल का होमवर्क वर्कबुक पेज नंबर, वर्कबुक पेज नंबर कंप्लीट, वर्कबुक पेज नंबर कंप्लीट, कंप्लीट वर्कबुक पेज नंबर 23-24 ओके, 23-24 पेज नंबर 23-24 एंड टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक्स आल्सो, ये लेसन टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक्स पेज नंबर 8, 9, 10 textbook fill in the blanks, textbook fill in the blanks, textbook fill in the blanks, page number 8, 9, 10 complete. Complete textbook fill in the blanks, workbook fill in the textbook, टेक्स्टबुक में ही लिखना, वर्कबुक वर्कबुक में ही लिखना, ये पूरा आंसर आपको वर्कबुक में पीछे दिए गए हैं, वर्कबुक में भी दिए गए, देख के लिखना है आपका काम है, ये व्हाट्सअप नहीं करना, ये व्हाट्सअप चाहिए फिर टेक्स्टबुक लगाएंगे वर्कबुक लगाएंगे अंत अंतर दैट इज होमवर्क, एंड होमवर्क कहते हैं कंप्लीट चाहिए होमवर्क। अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आए आपको, कंप्लीट वर्कबुक पेज नंबर 23-24 कंप्लीट and textbook in the workbook in the blanks and complete textbook in the blanks page number 8, 9, 10 you have to complete textbook and workbook, don't send it, okay, is it clear everybody, sabhi ko samajh mein aaya bachcho, workbook textbook in the blanks, workbook textbook in the blanks, workbook in the blanks, no
ही व्हाट्सअप नहीं करना है, दैट इज होमवर्क, कल का होमवर्क। अंडरस्टूड? सभी को समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।